ये आप रश देखें, ये इशा की नमाज के बाद का रश है और इसी वीडियो में आप तहज्जुद के वक्त का रश भी देखेंगे तो आप कंपेयर कर सकेंगे कि इशा में रश किस कदर बढ़ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप मक्का क्लॉक टावर के होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ से हरम तक कितनी देर में आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि मक्का क्लॉक टावर हरम से बिल्कुल लगा हुआ है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हम बस 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन से होटल में हैं और कौन से फ्लोर पर हैं। तो आप इस वीडियो में आज यही देखेंगे। अभी आप देखेंगे जो बगैर अहराम के अंदर जाएगा उसको शर्तें ऐसे हटा देंगे। अच्छा, औरतों के लिए पाबंदी नहीं है भले से वो उम्र ना भी कर रही हूँ, चूँकि उनका अहराम तो उनका बाया भी होता है, तो किसी को इसमें रोकते नहीं है औरतों को कि आपने उम्र करना है नहीं करना। और ज़्यादातर औरतें तवाफ़ कर रही होती हैं, लेकिन मर्दों के लिए बिल्कुल मानियत है नीचे तवाफ़ करना अहराम के बगैर, अनलेस कि आपने उम्र करना तो आप जाएँ और अंदर जा सकते हैं अहराम के अंदर। देखिए, जो भी अगर बगैर अहराम के जाने की कोशिश करेगा ना उसको मना कर देंगे। देखिए, अच्छे इसको मना किया, इसको बोला वहाँ जाओ। अच्छा, ये हमारी एलिवेटर है, हम 58 फ्लोर पे स्टे कर रहे हैं। तो मसला ये है कि ये एलिवेटर जो है डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाएगी नहीं, पहले आप इस एलिवेटर को लेकर नीचे एक फ्लोर पर जाएंगे, उसे M2 बोलते हैं। उसके बाद M2 पर दोबारा एक और एलिवेटर आप लेंगे और वहां से फिर ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे। अब हम इतने ऊपर स्टे कर रहे हैं और अभी इस वक्त फजर से थोड़ा पहले का वक्त है तो एलिवेटर रुक नहीं रही, लेकिन अगर नॉर्मल नमाजों में जोहर असर या मगरिब में हम हों तो हर एक फ्लोर पर एलिवेटर रुकती है तो और डिले बढ़ जाता है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सुबह का वक्त है तो एलिवेटर रुक नहीं रही, हम फटाफट नीचे जा रहे हैं और हम अब नीचे जाकर पहले M2 फ्लोर पर जाएंगे, उसके बाद दूसरी एलिवेटर लेंगे। हम पहली एलिवेटर से निकल चुके हैं और अब दूसरी एलिवेटर के लिए जा रहे हैं ताकि हम उस एलिवेटर में बैठकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा सकें। तो अब ग्राउंड फ्लोर के एलिवेटर से उतर चुके हैं, अब हरम की तरफ जा रहे हैं। सबसे जो ऑकवर्ड चीज़ ये है यहाँ पर क्लॉक टावर में रहने के लिए कि जब भी आप एग्जिट करके हरम की तरफ जाएंगे तो पहले आप शॉपिंग मॉल से गुजरेंगे। पूरा एक बहुत बड़ा मॉल है, इसके काफ़ी फ्लोर हैं और आप बगैर इसके गुजर सकते नहीं हैं यहाँ से। तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि बाज़ारों को इतना पसंद किया जाता नहीं है इस्लाम में, लेकिन इस होटल में मतलब इस क्लॉक टावर में इन्होंने पूरा बाज़ार बनाया हुआ है। तो पहले आप पूरे इस बाज़ार से गुजरें और अभी चूँकि तहज्जुद का वक्त है इसलिए रश नहीं है, मतलब आपको देखेंगे, लेकिन जब बाकी नमाज़ों में आप जाते हैं ये पूरा जैम पैक होता है तो आपकी जो तवज्जो है वो ज़रूर डाइवर्ट होती है। और रास्ते में जगह जगह मार्केटिंग के जितने भी शॉप्स हैं इनके लोग होते हैं, क्योंकि कोई आपको इतर पेश कर रहा है, कोई आपको कुछ भी दिखा रहा है, ऊपर फूड कोर्ट भी है सर। तो ये बहुत काबिल अफसोस है, मतलब ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्लॉक टावर में रहने का। ये बस हम एंटर हो गए, 3:27 पर हमने होटल से हम निकले थे और 3:34 हुए हैं, तो तकरीबन 7 मिनट समझे सिर्फ होटल से नीचे आने में लगे हैं। और वो भी इस वक्त जबकि रश नस्बतन थोड़ा कम है और होटल में खासकर कम रश, लोग अभी इतने फ़ौरन से उठेंगे, लेकिन अब अगर आप यहाँ देखें तो ऑब्वियसली खलकत जो है जमा हो चुकी आ चुकी है। अच्छा, सामने जो एंट्रेंस है ना, मैं जूम इन करता हूँ, अगर आपको देखें काबा भी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सामने काबा है। अगर आप इस एंट्रेंस से जाएं तो आप सीधा काबा शरीफ तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप मर्द हैं और आपने अहराम नहीं पहना हुआ तो आपको अंदर आने नहीं देंगे, सिर्फ औरतों के लिए जायज़ अंदर जाना या फिर वो जो अहराम पहने हुए। उस तरफ भी देखें काफ़ी रश है, काफ़ी रश ज़्यादा है। और ये क्लॉक टावर हमारा होटल है, तो जो ऊपर तक जब हम कोशिशें करेंगे कि किस तरीके से अंदर जाएं। अच्छा, यहाँ पर तो हम जा नहीं सकते, हमें जाना है उस तरफ जो एक एंट्रेंस है। अगर हम उस तरफ एंट्रेंस पे चले गए तो उम्मीद है अल्लाह से कि इस वक्त भी हमें शायद अंदर जाने का मौका मिल जाए। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पर तवाफ होता है, फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर पर तवाफ होता है, सबसे छोटा फर्स्ट फ्लोर पर होता है, इससे बड़ा और सेकंड फ्लोर पर जा रहा है, जितने फ्लोर पर बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन लोग
चूँकि मर्दों को तलाव ही नहीं, अगर उम्रा ना करो तो वो तवाफ नहीं कर सकते नीचे, तो फर्स्ट फ्लोर पर ही सारे मर्द जाते हैं और सबको नमाज पढ़ने के लिए भी उसी जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कितने लोग जमा हो चुके हैं, आ रहे हैं माशाल्लाह से। नमाज करने में भी गरीब आ जाता है तो ये क्या करते हैं, इस एंट्रेंस को भी बंद कर देते हैं और फिर लोगों को उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो अभी चूँकि कम से कम 40 मिनट है नमाज में, तो इसलिए ये अभी खुला हुआ है, लेकिन किसी भी वक्त लम्हे इसको बंद कर देंगे और कोई भरोसा भी नहीं होता मैनेजमेंट का, किसी भी वक्त वो बंद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मंदिर तो पहुंच गए, इसका मतलब ये कि ऊपर हमें नमाज मिल जाएगी। पर आप देखें माशाल्लाह से बच कितना है और लोग ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ से रास्ते बंद कर दिया है, अब यहाँ से ऊपर भेजा लोगों को, ऊपर जाएं छत की तरफ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी तरह से स्टे कर जाएं। देखें अगर हम इसमें कामयाब होते हैं नहीं। तो एक तरह से देखा जाए कि हम होटल से तो निकल चुके थे, लेकिन अभी तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम बैठ नहीं सके, वो अलग बात है। करना पड़ेगा, हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं जरूर। तो आप जारी हो जोरों शोर से, अब करना ये होगा कि कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। अगर कोई जगह मिल जाती कहीं पर नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, रोकर ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा होगा नहीं। जगह बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ और मैं अंदर आ गया हूँ। अब मैं इस तरफ आ गया तो आप हो रहा है माशाल्लाह से, और मैं कोशिश करूँगा इधर ही रुकूँ ताकि फिर इधर मैं बैठ कर नमाज पढ़ सकूँ। माशाल्लाह से लोग तवाफ करते हुए, ये फर्स्ट फ्लोर का तवाफ है, कवर्ड है, एयर कंडीशन भी, और मैं इस वक्त बिल्कुल इस हरी लाइट के सामने खड़ा हुआ हूँ जहाँ से हजरत असवद है, और यहीं से हजरत असवद का सलाम करते हुए लोग अपने चक्कर शुरू करते हैं। अगर आप उमरा करने आए हैं तो पहला स्टार्ट भी यहाँ से करेंगे, और जब भी आप उमरा का चक्कर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, सलाम करेंगे, हजरत असवद को हाथ से इशारा करके बोसा देके चुन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर अपने चक्कर का दोबारा स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके साथ चक्कर हो जाएंगे तो आप 8वां सलाम लेकर फिर आपका तवाफ खत्म हो जाएगा। फजर की नमाज अब ख़त्म हो चुकी है और लोग वापसी की तरफ गामजन हैं। थोड़ा सा रुक के हम जाएंगे क्योंकि अगर अभी निकलने की कोशिश करें तो रश बहुत है, तो रश से बचने के बेहतर तरीके ये कि जिक्र यहाँ कर लिया जाए बैठकर, उसके बाद जब थोड़ा सा रश ख़त्म हो जाए फिर वापसी के लिए निकल जाए। वापस उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से मेंटर हुए, तब अब की बार हम एग्जिट करेंगे और आप देखें कि कितना रश हो रहा है।
हर तरफ से लोग ही लोग आ रहे हैं उनको निकलना है, और सबसे शॉर्ट रास्ता यही है निकलने का। पहले ऐसा हो चुका है कि हम इस रास्ते से आए लेकिन फिर वापसी यहाँ से नहीं आज जा सके, रास्ता बंद कर दिया, और फिर हमको घूम के बहुत लंबा जाना पड़ा। लेकिन अभी ये रास्ता खुला हुआ है तो इससे आसान और सीधा रास्ता नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। अच्छा, कोशिश हमेशा ये किया करें कि किसी को धक्का ना दें चलते हुए, हालांकि रश बहुत है और अक्सर ऐसा होता है कि लोग धक्के देके जा रहे होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इबादत करने आए तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को धक्के ना दें, और अगर कोई आपको धक्के दे भी रहे तो आप बचें और उसको वापस पुश बैक ना करें। लेकिन इतने मजमे में अक्सर ऐसा हो जाता है कि धक्के पड़ जाते हैं या स्पेस बहुत कम होती है, निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि जितना आप सब्र तहम्मुल करेंगे आपको इंशाल्लाह उतना सवाब मिलेगा। तो अब जो कि नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट रश भी थोड़ा कम हो गया, तो इस तरफ जो वापस क्लॉक टावर की तरफ लोग आ रहे हैं उस तरफ रश कम है, तो अब हम वापस अंदर जा रहे हैं होटल की तरफ। एंट्रेंस अगेन हमारी वही मॉल के अंदर ही है। अगर आप मक्का क्लॉक टावर के अंदर स्टे कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मस्जिद हरम के अंदर जाके नमाज़ पढ़ें तो कम से कम एक घंटे पहले आप निकलें, क्योंकि अभी फजर का वक्त था, रश थोड़ा कम था लेकिन दूसरी नमाज में इससे बहुत ज़्यादा रश होगा। तो अगर आपने पढ़नी है अंदर नमाज़ तो एक घंटे से पहले आप टाइम दें, क्योंकि 20 से 25 मिनट और कभी भी आधा घंटा भी आपको लग सकता है सेवा से मस्जिद के अंदर जाने में। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।